हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द समीर व्लॉग्स। आई होप गाइस यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा, हम आज एक न्यू ऐसी दो न्यू बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो BS6 में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, BS6 में उसे लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दोनों बाइक के स्पेसिफिकेशन थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन दोस्तों मेन बात करेंगे कि बाइक का जो न्यूज आया अभी तो ये मतलब शोरूम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि कब तक शोरूम में आ सकती है और इसका प्राइस क्या है, उसके हिसाब से दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों प्लीज मेरे फेस में मत जाइए, तबीयत खराब है। और हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास कैम है, फिर भी मैं भाई मोबाइल से क्यों यूज कर रहा हूँ। दोस्तों एक्चुअली मेरे कैम में बैटरी नहीं है, थोड़ी भी बैटरी नहीं है इसमें। बैटरी मैंने चार्ज पे लगाई, बहुत दिन से मैं इस कैम को यूज नहीं कर रहा था, इस वजह से यहाँ पे नो बैटरी। तो दोस्तों आज का मोबाइल जो वीडियो है मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, पुरानी यादें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रह सके। तो दोस्तों हाल ही में अभी सबसे पहले BS6 जो लॉन्च किया था, वैसे तो दोस्तों होंडा ने बहुत पहले एक्टिवा 125 BS6 में लॉन्च कर दी थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बाइक्स के अबाउट में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यामाहा से दो दिन पहले ही हीरो ने लॉन्च किया था आई स्मार्ट। हाँ दोस्तों, हीरो ने आई स्मार्ट BS6 लॉन्च कर दिया। यहाँ पे वो मुझे ब्लू कलर में देखने को मिली है दोस्तों, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 65,000 के आसपास है। हाँ दोस्तों, 65,000 में BS6 आई स्मार्ट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आज का जो वीडियो है हम वो बात करते हैं। आज का जो मेरा मेन वीडियो है वो है दोस्तों यामाहा की FZS, यामाहा की FZFI। हाँ दोस्तों, यामाहा ने कल या परसों दो ही दिन के बीच में एक बाइक लॉन्च की, जो एक्चुअल में एक ही है, बस उसके दो मॉडल है, FZ और FZS। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को FZS यहाँ पे BS6 में लॉन्च कर दिया गया है। BS6 जिसे हम कहते हैं भारत स्टेज 6 या भारत स्टेज 4, जैसे भी कंपलसरी था, तो अब भारत स्टेज 6 कंपलसरी हो गया। तो अगर अब बाइक आना शुरू हो गई तो अदर ब्रांड में भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से अबाउट में। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को FZS FI में, यानी FI इंजन मिलेगा, फ्यूल इंजेक्शन। यहाँ उस बाइक में आप लोगों को 12.4 का PS पावर दिया गया और 13.2 का न्यूटन मीटर टॉर्क दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने एक चीज क्लियर की होगी कि इस बार यामाहा ने बाइक में BHP पावर थोड़ा कम करके टॉर्क को ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ दोस्तों, पावर आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, लेकिन टॉर्क बाइक में इंक्रीज किया गया है। और नॉर्मली पहले की तरह बाइक में 5 स्पीड गियर दिए गए, 5 स्पीड गियर नॉर्मली दी गई है, और SOEC इंजन में से डिजाइन किया गया है। और एयर कूल्ड इंजन अभी भी आपको यहाँ पे मिला है, ना ऑयल कूल मिलेगा ना आपको लिक्विड कूल मिलेगा। वैसे है तो छोटी गाड़ी, तो ठीक है, एयर कूल्ड इंजन में बाइक को डिजाइन किया गया है। नॉर्मली 150cc में बाइक को डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों BS6 का ये सबसे पहला स्पोर्ट्स बाइक है, क्योंकि 150 हम कह सकते हैं इट्स अ स्पोर्ट बाइक। तो स्पोर्ट बाइक में सबसे पहला स्पोर्ट बाइक यहाँ पे यामाहा की आप लोगों को FZS और FZFI भी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका जो प्राइस है वो क्या हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्टेड जो उसका शोरूम प्राइस है, शोरूम प्राइस दोस्तों इस बाइक का है FZFI का 1,02,000 रुपए, 1,01,000 रुपए के आसपास है। FZS जो मैंने बताया आपको, FZS FI उसका 1,00,000 रुपए है, 1,01,000 रुपए। और FZFI नॉर्मल वाली जो है उसका प्राइस है 99,000 एक शोरूम प्राइस, ठीक है। अब ऑन रोड प्राइस क्या हो सकता है, ऑन रोड प्राइस में दोस्तों मान लीजिए अगर 99,000 की बाइक है तो वहां पे RTO का पैसा और इंश्योरेंस का पैसा और कुछ एसेसरीज इंक्लूड होगी, तो 1,15,000 के आसपास आप लोगों को ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिल सकती है। और FZS FI में 1-2 हजार का थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को दोनों बाइक में देखने को मिलेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों ही बाइक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक है। मुझे बस एक छोटी सी कमी लगी कि यामाहा को थोड़ा सा इसमें BHP पावर इंक्रीज करना था, ज्यादा नहीं, इतना BHP पावर इंक्रीज करना था कि जो मार्केट में पहले से 150 सेगमेंट की जो बाइक अवेलेबल है उनको ये बाइक कंपेयर कर सके, उन बाइक से कंपेयर कर सके। अब मैं नाम लूंगा तो जैसे हॉर्नेट हो गई, पल्सर 150 का भी BHP पावर इससे ज्यादा है, तो सुजुकी 150 हो गई, अपाचे 160 हो गई, तो इनसे वो कंपेयर कर सके। तो इतना BHP पावर थोड़ा सा यहाँ पे आप मुझे लगा कि इंक्रीज उसे करना था। तो बाकी दोस्तों बाइक का जो लुक है बहुत ही प्यारा है, आप लोगों को मैट ब्लू ब्लैक ग्रे कलर में बहुत ही प्यारी लग रही है बाइक। अब दोस्तों बात करते हैं बाइक आपके शोरूम में कब तक आएगी। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है अभी बाइक हुई है लॉन्च, तो 4 वीक या 3 वीक के अंदर आप लोगों को डीलरशिप में ये बाइक देखने को मिलेगी। और अगर आप बाइक को खरीदना चाहते हैं तो शोरूम में जाइए और कुछ छोटे से अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी होगी, वो डिपॉजिट दीजिए और बाइक को आप वहां पे
अपना नाम से बुक कर सकते हैं, फिर जैसे ही पहली मतलब जैसे पहला ही स्टॉक उन लोगों के पास आएगा तो बाइक आपको दे दी जाएगी शोरूम की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों यामा ने BS6 एफजेड लॉन्च कर दिया। आज का मेरा वीडियो यही था, तो उम्मीद करते दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रह सकें।